बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली पिछले काफी समय से फिल्मी पर्दे से दूर रह रही हैं। सेलिना इन दिनों अपने परिवार के साथ बिजी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। आए दिन अपनी और अपने परिवार के साथ फोटो शेयर करती रहती हैं। सेलिना 2001 में फेमिना मिस इंडिया का ताज भी जीत चुकी हैं। फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद सेलिना ने फिल्मों का रुख किया, जिसके बाद उन्होंने 2003 की फिल्म जान नशीन में काम किया था। बॉलीवुड में आने के बाद एक्ट्रेस एक जाना पहचाना नाम बन गई थी। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में सेलिना ज्यादा सफल नहीं हो पाई। वहीं साल 2011 में उन्होंने अपने विदेशी बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन पीटर हॉक संग शादी की। शादी के बाद सेलिना पीटर हॉक के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही शिफ्ट हो गई और आज भी वहीं रह रही हैं। शादी के एक साल बाद ही एक्ट्रेस माँ बन गई थी। उन्होंने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम विराज और विंस्टन है। माँ बनने के बाद सेलिना का धीरे धीरे बॉलीवुड से भी नाता टूटता गया। इसके बाद साल 2017 में दोबारा माँ बनी सेलिना और फिर से उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसका नाम आर्थुर जेटली हाग और शमशेर जेटली हाग रखा। लेकिन जल्द ही उनके बेटे शमशेर का दिल की बीमारी से निधन हो गया। बेटे की मौत ने सेलिना को हिला कर रख दिया। बेटे की मौत के इस सदमे से बाहर आने में सेलिना को काफी वक्त लगा। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं और सोशल मीडिया पर अपने तीनों बच्चों की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। बीते दिनों खबर थी कि एक बार फिर सेलिना पर्दे पर नजर आएंगी। अब देखना ये होगा कि सेलिना कब और किस फिल्म में नजर आती है। आदिति यादव की रिपोर्ट, E24।